शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दौलामेटी हिलटॉप कॉलोनी के 10 साल की लड़की ने जन्मदिन न मनाते 11,000 रुपए मुख्यमंत्री सहायता निधि में ग्रामीण तहसीलदार को सौंपे। कोरोना के चलते लोग मुख्यमंत्री सहायता निधि में मदद जमा कर रहे हैं। नागपुर ग्रामीण तहसील के दौलामेटी में एक 10 वर्षीय बच्चे ने अपने जन्मदिन को नहीं मनाते हुए खर्च मुख्यमंत्री निधि में दिए हैं। दौलामेटी हिलटॉप कॉलोनी निवासी अक्षरा सिद्धार्थ ढोके उम्र 10 कक्षा चौथी की छात्रा ने अपना जन्मदिन नहीं मनाया। मुख्यमंत्री सहायता निधि में मंगलवार को 11,000 रुपयों का चेक तहसीलदार मोहन टिकले को अक्षरा ने सौंपा। अक्षरा ने बताया कि कोरोना के चलते लोगों के पास पैसे नहीं है, यह पैसे सरकार के माध्यम से गरीब लोगों तक पहुंचेंगे और गरीब परिवार के काम आएंगे। लोग भी समारोह में खर्च न कर गरीबों को मदद करने का आह्वान जन्मदिन पर अक्षरा ने किया। तहसीलदार मोहन टिकले ने अक्षरा की सराहना करते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में यह सोच रखना बड़ी बात है। अक्षरा के भविष्य के लिए तहसीलदार ने शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अक्षरा का भाई गुणमय ढोके, पिता सिद्धार्थ ढोके, ग्राम पंचायत सदस्य प्रशांत केवटे, सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार बोधुले, अभय वखरे, गजानन गजभिये, पत्रकार सुनील शेट्टी, विजय खलसे, सौरभ पाटिल के समक्ष अक्षरा ने 11,000 रुपयों का चेक तहसीलदार मोहन टिकले को सौंपा। आज अक्षरा ढोके हिने आपला स्वतःचा वाढदिवस साजरा न करता मुख्यमंत्री सहायता निधीला 11,000 रुपयाचं देणगी दिलेली आहे। एवढ्या लहान वयामध्ये एवढी मोठी समज, खूप अभिनंदनीय अशी बाब आहे। या मुलीचं मी कौतुक तर करतोच करतो, परंतु आयुष्यामध्ये तिला भरघोस यश मिळो एवढी सदिच्छाही व्यक्त करतो। आणि तिला ह्या कार्यासाठी ज्यांनी प्रेरित केलं त्या माता पित्यांनाही माझं नमन आहे। अक्षरा सिद्धा ढोक्या, दरवर्षी मी केक काटतो, पण ह्या वर्षी कोरोना व्हायरस झाल्यामुळे म्हणून मी मुख्यमंत्रीला 11,000 रुपये भेट देतो। आता कोरोना व्हायरस आहे, गरीबांना खाण्यासाठी काहीच नाही, म्हणून मी सोचली की आपण ह्या वर्षी 11,000 रुपये देऊन द्या। आपण केक काढतो पण गरीबांना खाण्यासाठी काहीच नाही, म्हणून मी सोचली की आपण 11,000 रुपये भेट द्या। एनबीसी न्यूज के लिए वाडी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।